हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम वहाँ बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की, तो आज हम उसी के आगे का पार्ट का यहाँ कवर करेंगे। आगे की स्टेबिलिटी ऑर्डर्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ कौन कौन से इफ़ेक्ट मेजर होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट की वजह से वो साइट्स मेजर हो जाती हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी हो सकती है। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि अभी तक जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाएँ और इस क्लास को हमारे साथ आगे कैरियर फॉरवर्ड करें। सो गाइज, प्लीज़ शेयर द वीडियो। ओके गाइस, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हमारी चल रही थी, हमने इसमें बॉन्ड ऑर्डर कवर कर लिया, हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स कवर कर लिए, इसके बाद में हमने साइट ऑफ प्रोटोनेशन देखा था जो कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज हम बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। तो ये थोड़ा लार्ज पार्ट है गाइस, तो ये दो टुकड़ों में होगा आप लोगों का, बट मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो आज हम कवर कर लेंगे इसका। तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। सो गाइस, मैं वीडियो में क्लास शुरू कर रही हूँ आज की। आप लोगों की फोर्थ एप्लीकेशन है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। सो हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की हम एसिडिक नेचर वो कहाँ से शो करता है वो देखते हैं। फिनॉल की स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगी कि फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये आप लोगों का फिनॉल होता है, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ ले रखा है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद में आपके पास ओ माइनस मिल रहा है। ओ माइनस अगर मिल रहा है तो ये क्या बन रहा है, एक तरह से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है आप लोगों का, अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो इसका जो आप लोगों के पास जो इसका रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, फिनोक्साइड आयन मिल रहा है, और प्लस आपके पास क्या निकल रहा है, एच प्लस आपके पास बाहर निकल रहा है, राइट? तो अगर फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होगी गाइस, अब चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा ऐसी भी हो सकती है ना कि ये डबल बॉन्ड इधर चले जाए और फिर ये कॉन्जुगेशन शुरू हो जाए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तब तक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये अपने लोन पेयर से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे इसने लोन पेयर से पार्टिसिपेट किया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज ही ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये क्या करता है, जब तक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तब तक ये बेसिसिटी शो नहीं करेगा कंपाउंड अपनी। तो जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये क्या बना अपना, कॉन्जुगेट बेस बना, फिनोक्साइड आयन बना आप लोगों का। फिनॉल से क्या बना, फिनोक्साइड आयन। फिनॉल किसमें कन्वर्ट हुआ, फिनोक्साइड आयन में, और प्लस एच एज प्लस के रूप में बाहर निकला। आप लोगों का स्टेबिलिटी इंक्रीज अगर मैं मानूँ तो वो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी किसी भी कॉन्जुगेट बेस की, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट? या हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर उसका बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है उसकी अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग, चाहे वो कॉन्जुगेट एसिड हो या जो कॉन्जुगेट बेस हो, उसकी भी क्या होगी, स्टेबल, उसका भी जो एसिडिक नेचर ले लो आप, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट? अब स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, पहली चीज़ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके, अपने पास ले सके, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, इसलिए मतलब उसको देने वाला चाहिए, को उसके साथ बॉन्ड बना सके एक एक्स्ट्रा, राइट? और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन से इफेक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो माइनस इफेक्ट्स जितने भी हैं आप लोगों के पास उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चाहे वो आर ले लो, चाहे वो एच ले लो, सॉरी ऑर्डर नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी बता रही हूँ, राइट? तो वो क्या होगी, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। और ऑर्डर की बात करूँगी तो आप ऑर्डर ये लिखेंगे, मैं आप लोगों को शुरुआत से बताती जा रही हूँ, ऑर्डर ये आएगा आप लोगों का और ये प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग बताया। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस चार्ज वाले इफेक्ट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में क्या आएंगे,
प्लस चार्ज वाले जो भी इफेक्ट्स हैं आप लोगों के उसके क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. ओके, और सेम अगर स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है तो सेम ऐसा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिडिक नेचर के लिए भी शो होगी. माइनस वाले इफेक्ट्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जबकि प्लस वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. क्लियर गाइस? ओके, देन मूव करते हैं अपन आगे. अब किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी, आप लोगों को पता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. और जैसे मान लीजिए अगर फिनॉल के ऊपर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा रखा है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो एसिडिक नेचर जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है आप लोगों का उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है यहाँ पे, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. राइट, अब बात करते हैं एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर कौन से इफेक्ट्स पे ज़्यादा डोमिनेट होता है, माइनस इफेक्ट्स पे ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है. तो सबसे ज़्यादा माइनस है आर लगा रहा है, देन एच, देन आई. ये आपको ऑर्डर है, ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है लर्न करना ताकि आप लोगों को पता रहे कि कब कौन सा इफेक्ट, कौन सी रिएक्शन शो कर रही है और कौन सा कंपाउंड कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है. क्योंकि बी पार्ट में बहुत सिंपल सिंपल से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि डायरेक्ट आप लोगों को चार पांच स्ट्रक्चर्स मिल जाती है और आप लोगों को बस ये बताना होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो बी पार्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी सवाल होते हैं जो आपको सिर्फ एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखने से सॉल्व हो जाएंगे. अब बात करती हूँ मैं OH में मैंने कोई भी ग्रुप लगा रखा है, वो OCH3O, CH3O, CCLO, CCL3O, सॉरी CLO, CCL3O, NO2. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट बता देती हूँ. ये मेटा, देन यहाँ पे आता है सिंपल, देन यहाँ पे आता है ऑर्थो, और देन यहाँ पे आता है पैरा. फिर CH3 कौन सा करता है, सिंपल, मेटा, पैरा एंड ऑर्थो. फिर यहाँ पे आता है ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड देन सिंपल. और लास्ट में भी क्या आता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड देन सिंपल आप लोगों को आता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट NO2 वाले का क्यों नहीं निकाला, तो उसका भी निकालते, पर उससे पहले एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने समझा देती हूँ आप लोगों को. OH पे मैंने एक बार कुछ भी कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, दूसरी बार मैंने ऑर्थो पे OCH3 लगाया, तीसरी बार मैंने एक बार मेटा पे लगाया और एक बार मैंने पैरा पे लगाया. तो ऑर्थो और पैरा ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेजोनेंस वर्क करता ही करता है. तो OCH3 ऑलरेडी माइनस चार्ज लेके लोन पे लेके चलेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेट में इधर की तरफ देगा. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो रिलीजिंग यानी प्लस वाला, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, एक तो प्लस आर लग रहा है. जितना प्लस आर ऑर्थो से लगता है उतना ही प्लस आर कहाँ से लगता है, पैरा से लगता है. और मेटा कोई भी रेजोनेटिक, क्योंकि मेटा की जब भी आप बनाओगे तो मेटा पे बेंजीन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो मेटा पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता मेटा पे. तो इसलिए मेटा कोई भी रेजोनेटिक जो भी इफेक्ट है वो शो नहीं करता, ना प्लस ना माइनस. ओके, देन अपन बात करते हैं अब आई, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं सकता. अब बात करते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट की. तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा पास में होगा उतना ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ पे आई थोड़ा ज़्यादा है, देन सिम कम, देन दोनों पे तीनों पे आई इफेक्ट लग रहा है. अब आप लोग बोलोगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अब स्टेबल की बात करूँ तो रेजोनेंस को तो भूल ही जाओ क्योंकि वो तो लीस्ट स्टेबल में काउंट होता है आप लोगों का. अब अपन बात करते हैं कि आई सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, तो आई सबसे ज़्यादा शो करेगा मेटा. अब मेटा क्यों शो करेगा, आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट यही ज़्यादा शो क्यों करता है बजाय ऑर्थो के या पैरा के. तो ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस भी पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो इंक्रीज होना चाहिए वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. इस वजह से सबसे पहले अपन मेटा लेते हैं, देन अपन सिंपल की बात करते हैं, और फिर उसके बाद ऑर्थो और पैरा. तो ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे रेजोनेंस बराबर लग रहा है,
तो अब अपन अब क्या देखेंगे कि आई कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। आई देखा जाए तो ऑर्थो की जो पोजीशन है, जो बेंजीन है आप लोगों की, अगर इप्सो कार्बन में मैंने OH लगा रखा था तो ऑर्थो पोजीशन आप लोगों की क्या हो गई, OH से पास हो गई, तो इसलिए उसकी जितनी ज़्यादा पास है उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो देन आप लोगों के ऑर्थो एंड पैरा, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अब बाकी आप ऐसे तीनों निकाल सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। एंड अब अपन बात करते हैं एनओ टू की। एनओ टू मैंने यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया, अब अपन उसकी बात करते हैं, राइट। एनओ टू की बात करो अगर आप लोग, तो यहाँ पे एनओ टू मैंने अलग अलग लगा रखा है, एक बार ऑर्थो पे लगा, एक बार पैरा पे लगा, एक बार मेटा पे लगा, और एक बार मैंने सिंपल फिनॉल की बात करो। सिंपल फिनॉल का मतलब कोई इफेक्ट नहीं, ऑर्थो और पैरा का मतलब कौन सा इफेक्ट आ गया, आर इफेक्ट आ गया, यानी रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। अब रेजोनेंस माइनस प्रेजेंट मतलब आर इफेक्ट शो करेगा या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, वो डिसाइड कैसे होगा, कंपाउंड से डिसाइड होगा। एनओ टू लोन पेयर हमेशा क्या करता है, लेने का काम करता है। एनओ टू अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है नाइट्रोजन से। तो ये क्या करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, और सेम माइनस आर इफेक्ट पैरा से भी शो होगा, मेटा से कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं आई इफेक्ट, तो सब जगह लगता है, अपन ने लगा दिया एक बार ऑर्थो पे ज़्यादा, फिर मेटा पे, एंड देन पैरा पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या हुआ है, रेजोनेंस दोनों में आर आर है, बराबर है, माइनस का है तो मोर स्टेबल यही हुए। अब मोर स्टेबल हुए तो दोनों में इक्वल लग रहा है, तो इक्वल लग रहा है तो इससे अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर अपन कहाँ चलते हैं, आई की तरफ। आई सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पे। तो ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने पास क्या ऑर्डर आता है, ऑर्थो पैरा मेटा एंड सिंपल, ये आता है। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, पैरा ऑर्थो मेटा एंड सिंपल, ये क्यों होता है ये समझिए। एक्चुअल ऑर्डर आप लोगों का ये होता है, इसलिए मैंने नाइट्रो एनओ टू को वहाँ मेंशन नहीं किया था। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब भी ऑक्सीफिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एनओ टू होता है, तो एनओ टू का जो ऑक्सीजन है और फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, उनके बीच में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, क्या हो जाते हैं, लीस्ट स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इंडक्टिव इफेक्ट उतना अच्छे से नहीं लग पाता। इसी वजह से क्या होता है, पैरा की जो स्टेबिलिटी है वो ऑर्थो से ज़्यादा हो जाती है। पैरा की स्टेबिलिटी ऑर्थो से ज़्यादा हुई है, ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम नहीं हुई है, पैरा की स्टेबिलिटी ऑर्थो से ज़्यादा हुई है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो वहाँ वर्क कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, नहीं, पैरा की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किससे, ऑर्थो से। दोनों में बहुत फ़र्क है। ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का कम होना। इंडक्टिव इफेक्ट कम नहीं हो रहा है, रेजोनेंस जैसा था वैसा का वैसा चलेगा। बट अगर पैरा की स्टेबिलिटी पूछूं तो रेजोनेंस जो जितना जल्दी ऑर्थो पे वर्क कर रहा था उतना जितना धीरे ऑर्थो पे वर्क कर रहा था, पैरा पे उतना ही फास्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से कोई भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाया। इस वजह से ऑर्डर अब अपने पास क्या आता है, एक्चुअल ऑर्डर पैरा ऑर्थो मेटा एंड सिंपल। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा नाइट्रो वाला जो सब्स्टिट्यूएंट अगर मैंने जोड़ा है तो कैसे कैसे साइट कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन लोगों ने देखा इसका। ओके, अब बात करती हूँ कि एसिडिक नेचर के दो टाइप्स मैंने बताए थे आप लोगों को। पहला होता है ऑर्थो इफेक्ट, पढ़ेंगे अपन इस पर। दूसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सर इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि है ऑर्थो इफेक्ट। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेरिक इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन, ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व्ड होता है, बेंजोइक एसिड में, एनिलीन में, या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होती है, एनिलीन पे कोई भी एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जुट जाए, हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जुट जाए, वो क्या होती है, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होती है। ये उसका कुछ एग्जाम्पल है, राइट। चलिए, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड देखते हैं अपन। तीन ही चीज़ें, या तो बेंजोइक एसिड, या एनिलीन, या आपका एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन।
अब बेंजोइक एसिड में अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट देखूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस मेंशन करी है, आप लोग पढ़िए इसको। ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर एंड इट्स एसिडिक नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द सब्सिट्यूएंट। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जो ऑर्थो इफेक्ट जो बेंजिनोइक जो एसिड जो ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, उनकी उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, मोर एसिडिक होती है। और ये अपने ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं चाहे किससे, नेचर ऑफ सब्सिट्यूएंट से। इनके साथ में अगर आप कोई भी सब्सिट्यूएंट जोड़ दो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या नॉर्मल ग्रुप हो, नॉर्मल की तो अपन बात कर ही रहे हैं, कोई सा भी सब्सिट्यूएंट आप लोग इसके साथ जोड़ दो वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी एसिडिक नेचर को लेकर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपसे ऑर्थो इफेक्ट के बिहाफ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जो ऑर्डर होगा आप लोगों का उसमें ऑर्थो पोजिशन मोर स्टेबल होगी बजाय दूसरे कंपाउंड के, क्योंकि ये मोर एसिडिक होता है अपनी प्रवृत्ति के अंदर। तो यहाँ पे जो भी मैंने ग्रुप जोड़ रखे हैं, ये OCS3, CH3, CLF, CCL3, NO2, अगर ये कंपाउंड में अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट को लेकर इंक्लूड करूँ, एसिडिक नेचर अगर मैं इसकी देखूँ, क्या देखूँ मैं, अगर इनका एसिडिक नेचर देखूँ तो ऑर्थो जो पोजिशन है वो मोर स्टेबल होती है। किसकी वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल होती है। और जो बाकी जो रह गए उसको आप किससे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देख सकते हो। तो गाइस प्लीज़ इनको सॉल्व करिएगा, ऑर्थो पोजीशन को आपको मोस्ट स्टेबल लगाना है। बाकी आप लोग जानते हो कि आप कौन कौन से इफेक्ट वहाँ पे लगा सकते हो, माइनस आर या प्लस आर से लेकर माइनस आई प्लस आई तक। ओके गाइस, और सिंपल को आपको लेके चलना है, एक बार बीच में चाहे माइनस इफेक्ट वाले पहले लो या प्लस इफेक्ट वाले पहले लो, उनके बीच में आप लोगों को सिंपल को भी मेजर करना होता है। ओके गाइस, तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा इनको इफेक्ट्स को कि वो कैसे शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बता चुकी हूँ, ऑर्थो इफेक्ट बता चुकी हूँ कि जो बेंजोइक एसिड है, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा तो ही आपको ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड ले लो, एनिलीन ले लो या एन सब्सटीट्यूटेड एनिलीन ले लो, ये तीन कंडीशन ही ऐसी है जहाँ ऑर्थो इफेक्ट फॉलो होता है। उसके अलावा आपको कहीं देखना नहीं है कि ऑर्थो, ऐसा नहीं कि आप मैंने सिर्फ CH3 लगा के छोड़ दिया, OH पे फिनॉल पे CH3, अब आप ऑर्थो इफेक्ट चेक करो, तो वो नहीं करना है। बेंजोइक अगर एसिड है, एनिलीन है या एन सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आप लोगों के पास है, तभी आप ऑर्थो इफेक्ट देखोगे, वहाँ पे मेजर करोगे। ओके, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्थो पोजिशन का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है बजाय दूसरों से, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आपने कोई बेंजोइक एसिड लिया, राइट, उस पर अपन ने क्या करवाया, यह हाइड्रोजन रिमूव करवा के अपन उसका क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाने से क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, और प्लस चार्ज माइनस एच प्लस निकल रहे हैं आपको। ओके, तो जैसे ही प्लस चार्ज आया, सॉरी माइनस चार्ज आया, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग ले सकता है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है आराम से। या हो सकता है आप लोगों के पास जो ये डबल बॉन्ड है ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, कोई सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस में इंक्लूड हो सकता है ऑक्सीजन। तो एक जैसे जैसे अगर ये रेजोनेंस में इंक्लूड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। मतलब अगर बेस की स्टेबिलिटी, उससे बनने वाले बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उस जो रिएक्टेंट है, उस जो कॉन्जुगेट एसिड है जिसकी वजह से वो बना, उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा हुआ तभी तो वो बना, तभी तो उसने प्रोटॉन दिया, अपना प्रोटॉन निकाला है अपना, तभी वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है। आप लोग देखिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है जो मैंने आपको माइनस के साथ बताई,
ये क्या किया, इसने यहाँ पार्टिसिपेशन किया और इसने यहाँ किया, जिसने यहाँ किया तो इससे जो ये फर्स्ट कंडीशन आप लोगों के सामने आई है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है राइट, ये आप लोगों के सामने ये, इसमें क्या आया, डबल बॉन्ड आया, माइनस चार्ज, यहाँ शिफ्ट हो गया राइट गाइस। अब अगर मैं बात करूँ तो ये एक के अलावा दूसरी भी बन सकती है, दूसरी क्या बन सकती है, देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ आया और ये माइनस चार्ज डैश डैश जो मैंने शो किया है वो कहाँ गया, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये सेकंड आपके पास कंडीशन हो गई राइट। जैसे ही सेकंड कंडीशन में गई तो क्या हुआ, यहाँ माइनस माइनस और ये वाला प्लस और यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों के लिए, डबल बॉन्ड। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की बनी वो क्या है, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब नॉर्मली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा टेंडेंसी क्या होगी, माइनस चार्ज अपने ऊपर रखने की राइट। आप लोगों को पता है माइनस चार्ज अपने ऊपर रखने की और डबल बॉन्ड के साथ भी, तो ये यहाँ आए अपनी बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब करना जब तक पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो यहाँ पे क्या एक पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है बनने की। बेंजीन बहुत कम चांसेस होते हैं, बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी ख़राब होती है या तभी उसमें माइनस या प्लस चार्ज आता है जब बहुत नेसेसरी हो जाता है सामने वाले को देना, तो अभी इतना कोई नेसेसरी है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको क्या कहा है, इस वाली स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा है, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा है, और जबकि ये क्या है, जनरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग राइट। बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रेजोनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑल्सो डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड भी डिक्रीज हो। अगर मान लो आप नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, पर एक कंडीशन तो ये आएगी ना, जब आपकी वो नहीं बनकर एबनॉर्मल वाली बन जाएगी, तो जैसे ही एबनॉर्मल अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है किसी भी या बन जाती है, तो क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है ना कॉन्जुगेट बेस की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये सिंपल सी लाइन का मीनिंग इतना सा है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है। आपको बेंजीनोइक एसिड के थ्रू ये समझ में आएगा कि ऑर्थो पोजिशन स्टेबल क्यों होता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं इसको, अब बात करते हैं ऑर्थो पोजिशन की, कि ऑर्थो पोजिशन को मैंने ज़्यादा स्टेबल क्यों माना है, किस लिए माना है। समझिए कि नॉर्मल बेंजोइक एसिड की अपन ने बात करी, अब ऑर्थो डेरिवेटिव लेकर अपन को बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया जिसमें मैंने कोई ग्रुप लगा रखा है जी, कोई भी ग्रुप है, कोई भी एटम है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, कोई भी लगा हुआ है। तो जैसे ही, अब आप लोग देखिए एक सेकंड के लिए, ये आप लोगों की बेंजीन है राइट। बेंजीन हमेशा प्लेन में होती है, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों की बेंजीन है राइट। यहाँ पे मैंने जो COOH है वो लगा हुआ है आप लोगों के लिए। अब दो ही होती है, या तो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है या एक्सियल पोजीशन होती है। इक्वेटोरियल और एक्सियल आप लोग समझते होंगे, चेयर और बोट फॉर्म आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन की बहुत बना रखी है। इक्वेटोरियल आप नहीं समझ सकते हो, इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं जानते हो तो आप लोग वेज डैश तो जानते होंगे, मतलब एक तो आप लोगों के सामने और एक आप लोगों से पीछे, जो आप लोग ऐसे इंडिकेट करते हो, एक तो वेज होता है और एक डैश होता है राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर ये बेंजीन मानी है आप लोगों की, तो यहाँ पे जो COOH जुड़ा हुआ है, जो मेरे सामने जुड़ा हुआ है, अगर वो COOH यहाँ पे भी वेज पे है तो दोनों में क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन है। और तो पोजीशन पे चाहे वो वेज पे हो चाहे डैश पे हो, क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, यानी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे ही रिपेल होंगे तो ये जो बेंजीन रिंग है, जो ये प्लेन में थी, वो क्या चल जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। आउट ऑफ द प्लेन मतलब जो यू थी बेंजीन, वो यू हो जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। जैसे ही जाएगी बेंजीन, ये स्ट्रक्चर बनी, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये आउट ऑफ द प्लेन है आप लोगों के लिए, सॉरी गाइस, ये क्या है आप लोगों के लिए, आउट ऑफ द प्लेन है स्ट्रक्चर, ये बनी। आप लोगों ने H+ यहाँ से क्या किया, रिमूव किया, कॉन्जुगेट एसिड आप लोगों का बना,
उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही कॉन्जुगेट एसिड आप लोगों का फॉर्म हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज क्या करा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बन गई आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि जनरल बन सकती थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ही स्टेरिक रिपल्शन हुआ बेंजीन का गई आउट ऑफ द प्लेन, और जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन अगर कोई चीज़ चली जाती है तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करना बंद कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहे थे आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से अप्रोच नहीं कर पाते हैं उस एटम तक जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर सके एक एटम से दूसरे एटम पे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में मे भी शो हो रहा होगा, आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये देखिए आप लोग, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, तो ये जो एबनॉर्मल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बन सकती थी वो नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से ये जो एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ नहीं हो पाती है। ओनली आप लोगों को क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करेगी। इस वजह से सिर्फ एक ही तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करी, तो इस वजह से क्या होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिडिक कॉन्जुगेट एसिड होता है उसका एसिडिक नेचर भी आप लोगों का क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला जो बेंजोइक एसिड है उसका एसिडिक नेचर में ऑर्थो पोजिशन मोस्ट स्टेबल होती है बजाय दूसरों के। तो ऑर्थो को आपको लगाना ही लगाना है सबसे ज़्यादा पे, पर कब लगाना है, जब बेंजोइक एसिड आप लोगों के सामने हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछिए। अब बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलिन एंड एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन में, दोनों एक जैसी होती है, एनिलिन ले लूँ नॉर्मल या मैं एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन ले लूँ, आप लोगों के लिए बात एक ही है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन एंड एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में जिस तरह से बात कर लिया, एन सब्स्टिट्यूटेड ले लो या एनिलिन ले लो, आप ऐसे बोल सकते हो, आर लीस्ट बेसिक। और बेंजोइक एसिड क्या होता है, आर मोस्ट एसिडिक होता है। ये क्या होता है, लीस्ट बेसिक होते हैं इन नेचर, एंड इट्स बेसिक नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मतलब वही है कि इन जो एनिलीन होती है, बेंजोइक एसिड क्या होते हैं आपके, मोस्ट बेसिक होते हैं, जबकि एनिलीन क्या होती है, लीस्ट एसिड सॉरी मोर एसिडिक वो होते हैं और लीस्ट बेसिक ये होते हैं। तो जब भी एनिलीन और या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आप लोगों के पास आए तो ऑर्थो इफेक्ट जब बेंजोइक एसिड में आप सबसे आगे रखते थे वहाँ आप ऑर्थो इफेक्ट को सबसे पीछे रखोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पोजिशन क्या आ जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, यानी ये सबसे कम बेसिक बेसिसिटी शो करेगी आप लोगों की। क्यों करेगी, किस वजह से करेगी, अब अपन उसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। उससे पहले ये वाले नीचे आप लोग किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी प्लस आर माइनस आई और माइनस एच या प्लस एच आप लोग इससे यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं, अपन एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, सॉरी गाइस एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन का ऑर्थो इफेक्ट कैसे लगता है, देखिए आप लोग, पहले मैंने सिर्फ नॉर्मल एनिलीन को लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनिलीन है ये यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, एनिलीन क्या करती है अपने ऊपर प्रोटोनेशन करवाती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस की तरह ये बिहेव करती है और क्या बनाती है, कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। अब बात करती हूँ एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन या ऑर्थो इफेक्ट कैसे शो करती है। जैसे मान लीजिए मैंने एनिलीन लिया आप लोगों के लिए और उसके ऑर्थो पोजीशन में मैंने कोई भी ग्रुप लगाया, जो पीछे आप लोगों को यहाँ ग्रुप मेंशन कर रखे हैं उनमें से कोई सा भी ग्रुप मैंने लगाया,
तो उसका जो ऑर्थो पोजिशन है वो लीस्ट कैसे चला जाता है, वो लीस्ट स्टेबल कैसे हो जाता है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है, बेंजीन लिया आप लोगों ने, NH2 लगाया, कोई भी ग्रुप लगाया, जैसे ही ग्रुप आया ऑर्थो पोजिशन पे क्या हुआ आप लोगों का, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हुआ। स्टेरिक रिपल्शन जैसे हुआ तो आउट ऑफ द प्लेन चली गई बेंजीन रिंग, goes out of the plane, क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग goes out, I think show नहीं हो रहा होगा, out of the plane, बेंजीन रिंग कहाँ चली गई, out of the plane चली गई। अब जैसे out of the plane गई तो approach करना मुश्किल हो गया, resonating structure बनना मुश्किल हो गया, तब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन गई स्टेरिक रिपल्शन आप लोगों को यहाँ शो हुआ, वैसे ही क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से क्या हो गया, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती थी किसी भी ग्रुप के साथ, तो वो क्या कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीज होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे, पर ये एक्सप्लेनेशन ऑर्थो इफेक्ट में काम आते हैं और गिने चुने कंपाउंड ही हैं जिनके अंदर आप ये लगा सकते हो। फर्स्ट आपका बेंजोइक एसिड है, सेकेंड आपका एनिलीन है, एंड थर्ड आपका एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, राइट। ये क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, लीस्ट बेसिक होते हैं। इसमें ऑर्थो इफेक्ट मोस्ट इंक्रीज होता है, यानी स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, यानी लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल, आप लोग लेस स्टेबल कह दीजिए। यहाँ क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ये जस्ट इन तीनों के लिए ही ऑर्थो इफेक्ट अपन मेजर करते हैं। अगर ये तीनों अगर आप लोगों के सामने आ जाए किसी भी ग्रुप के सामने, तो प्लीज़ ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे, उसके लिए दूसरा इफेक्ट वर्क नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बाद में लगाएंगे, पहले ऑर्थो को, ऑर्थो पोजिशन को स्टेबल करेंगे कि ये ज़्यादा ही ज़्यादा नंबर वन पे आएगी या नंबर लास्ट पे आएगी। ओके, थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लोगों से कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।